देश में दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने की तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन फिर भी वैसे लोग कामयाब नहीं हो पाते। हम आपको सामुदायिक एकता की ऐसी ही खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि भारत में अलग समुदाय भी एक साथ प्यार से रह सकता है। गिरिडीह में सदर प्रखंड के कोगड़ी गांव में रहने वाली ये बुजुर्ग महिला बेली देवी हैं, जो एक हिंदू हैं। महिला को देखकर आप समझ रहे होंगे कि इतनी गरीबी और कुछ ना देख पाने की बेबसी में वो कैसे अपना जीवन यापन कर रही है। पति की मौत हो चुकी है और एक बेटा है, लेकिन वो सहारा बनने की बजाय अपनी बूढ़ी माँ को बेसहारा छोड़ गया। आता भी है तो बस पेंशन के पैसे लेने और फिर वापस लौट जाता है। लिहाजा महिला के देखरेख 6-7 साल से पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम परिवार करते आ रहे हैं। यहाँ अकेले रहती हैं? हाँ। कोई नहीं है? हाँ बता, बता के ससुराल में रहे, कमाल के ले बाबू, 60 बरस से यहीं किया करे बाबू। यही लोग खिलाता पिलाता है ना? हाँ हाँ, झूठ ना बोलो बाबू, मोरबे तो इमाम में जीवे बाबू। खाना वाना तो हमेशा हम लोग देते हैं घर से यहीं पे। हाँ, घर भी टूट गया है तो घर हम लोग यहाँ पे बना दे रहे खुद से हम लोग। कोगड़ी गांव के लोग बेली देवी का ध्यान बड़े ही प्यार से रखते हैं, किसी चीज की उन्हें कोई कमी नहीं होने देते। इसलिए बेली देवी भी अपने कलयुगी बेटे के पास वापस नहीं जाना चाहती। आपको हैरानी होगी कि इस बार लगातार हुई बारिश में महिला का जब मकान क्षतिग्रस्त हो गया, तो मुस्लिम समुदाय ने ही एकजुट होकर मकान की मरम्मती फिर से कराई। इसका एक बेटा है जो बनियाडी में रहता है, गांधीनगर में। वो इतना बड़ा बदमाश है, जब इसको वृद्धा पेंशन, इस गरीब महिला को जब वृद्धा पेंशन जो मिलता है सरकारी तरफ से, तो वो पेंशन भी आके छीन लेता है। हम लोग अपना पैसा से, हम लोग अगल बगल से मदद करके इसका मकान बनवा दे रहे, ताकि ये महिला आराम से बरसात के मौसम में रहे। आपका घर क्या हुआ? मकान गिर गया बाबू। बुजुर्ग महिला की बदहाल स्थिति की जानकारी मिलने के बाद अगदोनी खुर्द के उप प्रधान दिनेश यादव तुरंत महिला का हाल जानने पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिला को आवास दिलाने के लिए वीडियो से बात की जाएगी। प्रखंड सदर प्रखंड के वीडियो साहब से यह मांग करते हैं कि अविलंब इनका घर जो है एक मुहैया करवा दिया जाए, ताकि इस गरीब महिला का कोई सहारा न है, क्योंकि इनको आँख से भी दिखता नहीं। आड़े वक्त पर किसी के काम आना या किसी गरीब का सहारा बनना पुण्य का काम माना गया है। गिरिडीह में जिस तरह मुस्लिम समुदाय बुजुर्ग महिला की उम्र के आखिरी पड़ाव पर ढाल बनकर खड़ा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। जो महिला के अपने नहीं कर पाए, वो गैरों ने अपनों से कहीं बढ़कर कर दिखाया। जो मिसाल कोगड़ी गांव के लोगों ने पेश की है, उससे हमारे समाज को सीख लेने की बहुत जरूरत है, जो मौका पड़ते ही जातिवाद का झंडा फहराने लगते हैं। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।